ओके गाइस, सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ बैल्कनी। बहुत बेटर है पहले से। मैंने कुछ कुछ ऐसे लगा दिए हैं और जो मुझे लगता है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है वो यहाँ डाल दिया है, और ये बहुत अच्छा चल रहा है थैंकफुली। और ये कुछ पौधे हैं जो चल रहे हैं, और यहाँ पर ये सब धो दिया मैंने आज। हालांकि मिट्टी अभी दिख रही है, एक दो दिन और डेली डेली धोऊंगी ना तो वो साफ हो जाएगा। अब ये जो स्टेन्स है ना, ये नहीं गए हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि टाइल्स पे ऐसा क्या कुछ आता हो जिससे स्टेन्स निकल जाते हैं। ओके, सो जो स्टेन्स हैं वो मतलब इसमें अर्बन लैडर, जो अर्बन नहीं क्या है, अर्बन क्लैप में क्लीनिंग होती है, तो वहाँ पर बालकनी क्लीनिंग का भी होता है जिसमें स्टेन रिमूवल भी होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा सोल्यूशन हो, क्योंकि इस सारे टाइल्स पर ना स्टेन्स लगते ही लगते हैं। दिस इज़ अ नॉन स्लिपरी मैट टाइल्स। भगवान जाने क्या सोच के मैट टाइल लगाई थी, उसमें बहुत स्टेन्स लगते हैं। काश मुझे डार्क कलर का या वुडन कलर होता ना, मुझे वो लगवानी चाहिए थी। बट ठीक है, हो गया। कभी कभी आप गलती भी कर जाते हो और उन्हीं गलतियों से सीखते हो। बट इसमें स्टेन्स बहुत लगते हैं, तो स्टेन्स घिसने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और मेरी जो हेल्पर है वो तो हाथ खड़े कर देती है, वो कहती दीदी नहीं हो रहा, दीदी नहीं हो रहा, तो वो फिर मैं ही घिसती हूँ। तो बैल्कनी क्लीन हो गई है, मेन गेट पूरा क्लीन हो गया, अच्छे से चमक गया है। अब मुझे करना है टीवी यूनिट क्लीन, बाथरूम क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। हालाँकि मेरे घर पे भी बोल रहे हैं अरे तुम दो तीन दिन के लिए गई हो, आराम आराम से करना, बट मुझसे होता नहीं है। मैं एक ही दिन में कर पूरा करके सब साफ करूँगी, ताकि कल फिर मैं आराम से रेस्ट करूँ, या मुझे कहीं अपना बाहर घूमने जाना हो, थोड़ा नैन सुख प्राप्ति करने जाना हो होम सेंटर पे। NSP समझते हो कि नहीं समझते हो, आई डोंट नो। NSP का मतलब होता है नैन सुख प्राप्ति। तो हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो ये वर्ड बहुत यूज़ करते थे, NSP कर रहे हैं, इसकी हम NSP कर रहे हैं। मतलब हम नैन सुख, नैनों को जो सुख दे रहा है वो हम नैन सुख प्राप्ति कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को होता है ना, आप सुंदर चीज़ों को देखते हो और आपको बस अच्छा लगने लगता है, भले ही आपके पास वो आए चाहे नहीं आए। तो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। कॉलेज के लड़के भी बहुत यूज़ करते हैं लड़कियों को देखने के लिए, या कोई भी अच्छी चीज़ को देखने के लिए ऐसे बोलते हैं नैन सुख प्राप्ति। NSP कर रहा है हम लोग भाई। तो बस मैं कल होम सेंटर NSP करने जाऊंगी, क्योंकि मुझे लेना तो ऑब्वियसली है नहीं, तो वही थोड़ा अच्छा लगता है मन को। तो होम डेकोर को देखना इट्स लाइक अ थेरेपी टू मी। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बालकनी में बैठी थी और नोटिस कर रही थी कि कुछ चिड़ियाएं यहाँ पर आ रही हैं, एंड सोच के बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि हमारे घोंसले में किसी और ने अपना प्यारा सा घोंसला बनाया हुआ है। फिर मैंने इनके लिए पानी और थोड़ा सा जो चावल के दाने होते हैं ना, वो भी रख दिए अलग से कटोरी में, ताकि ये आएँ चिल मारें, खाएँ और पार्टी करें यहाँ। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत ही प्यारी चार लाइंस आई थी, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था मुझे। अभी उनका वो मैंने स्क्रीनशॉट तो ले ली थी पोयम की, बट मुझे उनका नाम नहीं मिल रहा है, तो मैं वो पोयम आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। प्लीज़ मुझे जिसने भी लिखा है ना वो पिंग ज़रूर करिएगा, मैं डेफिनेटली आपका नाम भी अनाउंस करूँगी। सो इस जो पोयम है वो कुछ इस तरीके से है, जो चार लाइन है वो कुछ इस तरीके से है। आंधी तूफान से टकराई, तिनका तिनका फिर भी जुटाई, मेहनत लगन और हौसला, और उसके बाद हमने बनाया अपना घोंसला। सो ब्यूटिफुल, एंड थैंक यू सो मच जिसने भी ये लिखा है। बहुत अच्छी लाइन्स है, और इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, और कहीं मैं सोच भी रही हूँ कुछ इनग्रेव करवाने का। सो प्रिटी, थैंक यू सो मच। अब भी जस्ट मैं पानी लेकर के आई हूँ मेरे नेबर से। वो सोचते होंगे, एक वो नेबर होता है ना आपकी सोसाइटी में जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। मैं लिटरली एक साल से जब से यहाँ पर आई हूँ पानी ही पानी मांग रही हूँ। जब काम चल रहा था तब भी मैं सामने दीदी के यहाँ से ही पानी लेती थी। अभी तो सब हो गया, फिर भी मैं उन्हीं से पानी लेती हूँ। वो भी सोचती होंगी भाई आ गई पानी मांगने के लिए। एक होता है ना शक्कर मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मैं पानी मांगती हूँ। थैंकफुली हमारे नेबर सब बहुत अच्छे हैं, जिनसे मैं लेके आती हूँ वो भोपाल की हैं, और विक्की की बचपन की ये बोलना चाहिए दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। काफ़ी पहले से जानते हैं उनको हमारे फैमिली, मेरे इन लॉज और वो दीदी के मम्मी पापा, ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। पहले सब साथ में ही रहते थे, 10-12-15 साल लोग साथ में रहे हैं, आसपास ही नेबर्स रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं। उनके साइड में जो रहती हैं शी इज़ फ्रॉम UP, वो भी बहुत अच्छी है। मेरे साइड में जो रहते हैं शी इज़ इंदौरी, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं वही इतना कोई। और ऊपर जो रहते हैं वो हैं छतरपुर की, छतरपुर या छिंदवाड़ा यहाँ की कहीं की है, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कोई हेडेक नहीं होता है किससे मांगना है क्या है। मैडम भाई बहुत बहुत अच्छी, बालकनी इज़ लुकिंग प्रीटी गुड नाउ, साफ सुथरा लग रहा है काफ़ी। किचन का जो एरिया है ये क्लीन कर लिया है, अगेन इसमें मार्क्स लग गए, साफ करवाना पड़ेगा। अब जाते हैं बेडरूम वाले में। नाउ लुक एट दिस, कचरा निकला इतना खतरनाक यहाँ से, तो यही डस्ट जो है। Thank you.
dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Hey guys, तो अब जा रही हूँ मैं शार लेने के लिए. काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, 4:30 बज रहा है. तो फटाफट से शार लेकर के आती हूँ. दिन भर ही हो गया मतलब मुझे क्लीनिंग वगैरह करने में, बट हाँ साफ सब कुछ ऑलमोस्ट क्लीन है, बस किचन रह गया है. तो किचन मैं कल आराम से करूँ. किचन में अभी अवॉइड भी करें क्योंकि किचन में जब वो टाइल कटेगी ना तब बहुत बारीक बारीक कचरा होगा, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है किचन करने का. शार लेकर के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो क्योंकि वॉशिंग मशीन वाला जो सिस्टम है वो चल नहीं रहा है, सो आई वॉश द क्लोथ्स एंड फटाफट से इसको ड्राई करती हूँ. अंधेरा हो गया है, बहुत जल्दी अंधेरा होने लग गया है. जो भगवान अच्छे से चमक गए हैं, एकदम चमचमा गए हैं. ये मैंने क्लीन नहीं किया है, मैं कल सुबह क्लीन करूँगी. पीताम्बरी से क्लीन करना पड़ेगा. बाकी ये सब मैंने जो सिल्वर क्लीन करने वाला, चांदी क्लीन करने वाला एक सोल्यूशन आता है, मैं उससे क्लीन करती हूँ. तो ये क्लीन हो गए हैं. डन विथ ऑल माई पूजा एंड एवरी थिंग. जो भी मुझे होम क्लेंजिंग वगैरह करनी थी वो सब हो गई है. सो आपको याद होगा, एक टिप देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, बहुत बेसिक सी और बहुत सिंपल सी है. अगर आपको आपके घर की एनर्जीज जानना है ना, कि आपके घर में एनर्जीज कैसी हैं, पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, एक्सरसाइज करिएगा. आप क्या करिएगा, आप अपने घर में जैसे किसी भी रूम में आपको जानना है कि उस रूम की एनर्जीज कैसी हैं, तो आप क्या एक्सरसाइज करिएगा, आप एक मनी प्लांट लीजिए, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है. अच्छा मनी प्लांट लेके आ जाइए मार्केट से, आपके घर पे है वो ले लीजिए. एंड उसको या तो पानी की बॉटल में डाल दीजिए, है ना, पानी में प्रोपेगेट कर लीजिए. एंड अदरवाइज प्रॉपर गमले में, किसी में भी आप रख सकते हो. वो आप अपने घर के जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिविंग रूम की एनर्जीज चेक करनी है, आप लिविंग रूम में रख दीजिए उसको. आपको बेडरूम की एनर्जीज चेक करनी है, बेडरूम में रख दीजिए उसको. एंड 21 दिन तक आप उसको रखे रहिए एंड नोटिस करिए. 21 डेज में अगर उसकी लीव्स येल्लो होना स्टार्ट हो गई या वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया और जल्दी ख़राब हो गया, दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ दैट एरिया इज नॉट पॉजिटिव. आपको ऑरा क्लेंजिंग की या एनर्जी क्लेंजिंग की ज़रूरत है. बहुत ही सिंपल तरीका है आपके घर की एनर्जीज को वो करने का. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे हमारे घर में तो धूप ही नहीं आती है, हमारे घर में तो ये नहीं होता है, हमारे घर में ये सब फालतू की बातें हैं. मैं
अपने जो प्लांट्स हैं वो मैं बिना धूप के एरिया में भी बहुत बड़े बड़े उगा चुकी हूँ और धूप वाले एरिया में भी वो कर चुकी हूँ, तो ये सब अलग चीज़ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं भी यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप ऐसे एक्सरसाइज करके देखिएगा, फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, किसी वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी। अगर आपको लगता है कि एनर्जीज नेगेटिव आ रही हैं या प्लांट वो हो रहा है, फिर मैं इसकी रेमेडी आपको बहुत सिंपल सी बताऊंगी। सो यस, अब मैं 7 o'clock पे जाऊंगी निशा के घर पे, उनकी कोचिंग चल रही होती है 5 to 7, वो बच्चों को पढ़ाती हैं, तो जैसे ही 7 बजे का मैं यहाँ से कट लूँगी। यहाँ पर हमारे ना बिल्डिंग के नीचे बहुत ही टेस्टी पानीपुरी वाले भैया हैं, तो वो ना कोलकाता पानीपुरी स्पेशलिस्ट है, मतलब बहुत अलग है। जैसे मैंने MP में इस तरह की फुल्की खाई नहीं है, और मैंने मुंबई में भी बहुत सारी जगह पर किसी का मैसेज आया। सबसे आज मुझे इतना सुकून लग रहा है, सबसे ज़्यादा सुकून ये लग रहा है कि बैल्कनी बहुत साफ़ हो गई है। कोई भी एरिया घर का एकदम गंदा सा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद जैसे हम फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, वैसे घर को भी फ्रेश कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बैठने में। ओके, सो अब मैं व्लॉग करूँगी अपने मोबाइल से, बिकॉज कैमरा कॉल लेकर के जाएगा। सो या लेट्स गो। ये हमारे जस्ट घर के ना पीछे बिल्डिंग है, ये वाली जो दिख रही है ना, जिसमें लाइट्स जली हुई हैं, इसको हमने इसमें सेलेक्ट करे थे, हमने इसमें 2 घर सेलेक्ट कर लिए थे, बट देन वही है कि इन लोगों की ना वो नहीं मिल रही थी, मतलब जो होती है ना पजेशन, तुरंत वाली छोड़ दिया था। एंड लिटरली हमको आए हुए 2.5 साल हो गए, और अब जा करके मुझे इसमें लाइट्स दिख रही हैं, थैंकफुली। चलो जिन लोगों ने लिया है उनका अच्छा, उनको अच्छा लग रहा होगा अब। निशा के घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने मस्त पार्टी करी थी, बिकॉज हम बहुत दिन बाद मिले थे, वहाँ आंटी भी आ गई थी, आंटी की एक नेबर है वो भी आ गई थी। उसके बाद फिर मैं विक्की को लेने के लिए निकल गई थी, बिकॉज स्टॉप पे, मतलब जहाँ पर उसकी बस छोड़ती है वहाँ पे। ओके गाइस, तो आ गई हूँ मैं विक्की को लेने के लिए, बट एक्चुअली सामने पूरा गंदा वाला जाम दिख रहा है मुझे, सो यस देखते हैं कब आता है वो, काफ़ी लेट हो गया, 11 बज रही है।